गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 11B ऑफ द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन। इन क्वेश्चन नंबर वन ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फोर 7,350 रुपीज, ए मैन गेन्स 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। द फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन इज इक्वल टू एक्स रुपीज। गिवेन ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर 7,350 रुपीज मीन्स एसपी ऑफ ए फैन इज इक्वल टू 7,350 रुपीज। इज इट क्लियर? एंड a man gains 1/6 of its cost price. Here gain given 1/6 of its cost price. 1/6 of its cost price, the x. So we know that gain is equal to sp minus cp is equal to 1/6x. Here sp is equal to 7,350 and CP is equal to X is equal to 1/6X. Is it clear? 7,350 is equal to 1/6X by transposition plus X. Next step, 7,350 is equal to, take the LCM 6. Here 1X plus 6X. In next step, right here, 7,350 is equal to 1x plus 6x, 7x upon 6. By cross multiplication here, 7x into 1, 7x, or 7,350 into 6. Therefore, x is equal to 7,350 into 6 upon 7. 7 1 ja 7. Divide not possible, write 0. 7 5 ja 35. Here write 0. 0 into 6, 0. 5 6 ja 30. Or 1 6 ja 6. Hence, the CP of the fan is equal to 6,300 rupees. Is it clear? Now let us discuss question number 2. In question number 2, Mohit sold a watch to Karim at a gain of 10% and Karim sold it to Rahim at a gain of 4%. If Rahim pays 14,300 rupees for it, for how much did Mohit purchase it? The here let Mohit purchased the watch X rupees. Is it clear? Mohit purchased the watch in X rupees. Is it clear? Mohit sold a watch to Karim at a gain of 10%. The first we write for Mohit. In case of Mohit, CP is equal to X rupees. Mohit purchased the watch X rupees, the CP is equal to X rupees.
इज इट क्लियर? मोहित सोल्ड ए बास टू करीम एट ए गेन ऑफ 10%. द हेयर गेन परसेंट गिवेन इज इक्वल टू 10%. इज इट क्लियर? फाइंड आउट द एसपी. वी नो दैट एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. 100 गेन परसेंट है 10 अपॉन 100 इंटू सीपी है एक्स. 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 इंटू एक्स. 0 0 कैंसिल आउट. लास्टली वी गेट 11x अपॉन 10. इज इट क्लियर? नेक्स्ट फॉर करीम. फॉर करीम सीपी मोहित से मोहित सोल्ड द वॉच 11x अपॉन 10 रुपीज. फॉर करीम दिस प्राइस कन्वर्ट इन टू कॉस्ट प्राइस फॉर करीम. द हेयर राइट सीपी इज इक्वल टू 11x अपॉन 10. करीम सोल्ड इट टू रहीम एट ए गेन ऑफ 4%. द हेयर गेन परसेंट इज इक्वल टू 4%. द एसपी इज इक्वल टू बिनो 100 प्लस गेन परसेंट मीन्स 4 इंटू 100 इंटू सीपी मीन्स 11x अपॉन 10. 100 प्लस 4 104 अपॉन 100 इंटू 11x अपॉन 10. इज इट क्लियर? हेयर 52 जा 100, हेयर 52 टू जा 104, 25 टू जा 50, 26 टू जा 52, 5 हेयर 25 जा 10, 13 टू जा 26. हेयर मल्टीप्लाई 13 इंटू 11, 13 वन जा 13 कैरी 1, 13 वन जा 13 प्लस 1 14 अपॉन 25 इंटू 5 वी गेट 125. और हेयर एक्स द राइट हेयर एक्स. फॉर करीम सेलिंग प्राइस 143 अपॉन 125 इंटू एक्स. करीम सोल्ड टू रहीम एट ए गेन 4% इन सेलिंग प्राइस गिवेन 143 अपॉन 125 इंटू एक्स. इफ रहीम पेज 14,300 रहीम पेज 14,300 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन रुपीज रहीम पेड 143 अपॉन 125 एक्स. वॉट इन रुपीज गिवेन 14,300 इन द वैल्यू ऑफ एक्स गिवेन 143 अपॉन 125 इंटू एक्स. वॉट इन रुपीज गिवेन 40,300 गिवेन इन रुपीज. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 143x इज इक्वल टू 14,300 इंटू 125. नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू 14,300 इंटू 125 अपॉन 143. 100 टाइम्स हेयर 125 पुट 00. हेंस मोहित परचेज द वॉच फोर 12,500 रुपीज. इज इट क्लियर? नाउ लेटर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3.
इन क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ द मैन्युफैक्चर गेन्स 10%, द होलसेल डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%, देन व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस इज 37,950। द फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू ₹100। इज इट क्लियर? फॉर मैन्युफैक्चरर फर्स्ट वी हेयर इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, तो हेयर फॉर सीपी ₹100 गेन परसेंट गिवेन फॉर मैन्युफैक्चरर हेयर गिवेन 10%, तो एसपी इज इक्वल टू वी नो दैट 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी मीन्स ₹100 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 इंटू एक्स 00 कैंसिल आउट हेयर वी गेट 11x upon 10। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फॉर होलसेल डीलर फॉर होलसेल डीलर दिस सीपी कन्वर्ट इनटू दिस एसपी कन्वर्ट इनटू सीपी मींस 11x upon 10। फॉर होलसेल डीलर गेन गिवेन 15%। तो हेयर फाइंड द एसपी, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट गिवेन 15 अपॉन 100 इंटू सीपी, सीपी हेयर 11x upon 10, 100 प्लस 15, 115 अपॉन 100 इंटू 11x upon 10, 5 2 10, 5 2 10, 5 3 15, 23 1 23 कैरी 2, 23 1 23 प्लस 2, 25x upon 200। नेक्स्ट फॉर रिटेलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन एक्स कॉस्ट प्राइस इज 253x upon 200 इन द फॉर्म ऑफ एक्स व्हाट इन रुपीज गिवेन हुज रिटेल प्राइस इज 37,950। For retailer, this SP convert into CP. CP is equal to 253 upon 200 into X. For retailer given here gain 25%. The gain percent is equal to 25%. The here SP is equal to 100 plus gain percent upon 100 into CP. 253x upon 200. 100 plus 25 upon 100 into 253x upon 200. 25 5 125 25 4 is it clear? Next,
5 4 जा 20 अब पुट द जीरो हियर, इज इट क्लियर? तो हियर राइट 253x अपॉन 4 इंटू 4 16 पुट द जीरो। हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन x गिवेन 253x अपॉन 160, व्हाट इन रुपीज गिवेन 37,950, इज इट क्लियर? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड वी गेट x इज इक्वल टू 37950 मीन्स 37,950 अपॉन 160 अपॉन 253, इज इट क्लियर? इज इक्वल टू राइट हेयर, हेयर डिवाइड इन रफली 253 डिवाइडेड 37950, तो 1 टाइम्स 253 6 7 माइनस 5 2 1 हेयर राइट 5, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी यूज 5 टाइम्स 5 3 जा 15 कैरी 1 5 5 जा 25 प्लस 1 26 कैरी 2 5 2 जा 10 प्लस 2 कैंसिल आउट लास्टली हेयर 0 पुट द हेयर 0 तो वी गेट हेयर 150, इज इट क्लियर? एंड मल्टीप्लाई 160 इंटू 150 तो लास्टली 20 हेयर तो पुट हेयर 00 वी नो टेबल ऑफ 15 6 जा 90 राइट 0 कैरी 9 15 1 जा 15 और प्लस 9 24 तो हेयर वी गेट 24,000 तो हेंस राइट हेयर हेंस द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 24,000, इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड फॉर मैन्युफैक्चरर, सेकेंड वी फाइंड द होलसेल डीलर एंड थर्ड वी फाइंड द रिटेलर। इन रिटेलर द एसपी इन एक्स हेयर गिवेन बट रुपीज हेयर गिवेन, तो इक्वेट दिस एंड लास्टली वी फाइंड एक्स इज इक्वल टू 24,000, हेंस द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन इज 24,000, इज इट क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 मिस्टर मेहता परचेज्ड ए वीडियो फॉर 20,000 एंड ए टेलीविजन फॉर 30,000। ऑन द वीडियो ही लॉस्ट 5%, ऑन द टेलीविजन ही गेन 8%, फाइंड इज टोटल गेन और लॉस परसेंट। फर्स्ट वी टेक आइटम वीडियो, द फोर वीडियो हेयर गिवेन कॉस्ट प्राइस 20,000, एंड नेक्स्ट आइटम गिवेन टेलीविजन, बट ऑन द वीडियो ही लॉस्ट 5%, मीन्स हेयर लॉस परसेंट गिवेन 5%। सो वी नो दैट एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, 100 माइनस 5 95 अपॉन 100 इंटू 20,000, डबल जीरो कैंसिल आउट, वी गेट हेयर 90 हेयर राइट 95 टू जा 5 टू जा 10 कैरी 1 92 जा 18 प्लस 1 19 अपॉन द डबल जीरो, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आइटम 4
टेलीविजन, सीपी गिवेन फॉर टेलीविजन 30,000। इन द क्वेश्चन गिवेन टेलीविजन ही गेन्ड 8%, मीन्स गेन परसेंट गिवेन हेयर 8%। तो वी नो दैट एसपी इज इक्वल टू इन गेन परसेंट, तो 100 प्लस 8 अपॉन 100 इनटू 30,000। 100 प्लस 8 108 अपॉन 100 इनटू 30,000। कैंसिल डबल जीरो, 8 3 जा 24, 1 3 जा 3, पुट लास्टली डबल जीरो। हेयर वी गेट 32,400। इज इट क्लियर? हेयर राइट टोटल कॉस्ट प्राइस, द टोटल कॉस्ट प्राइस हेयर 20,000 प्लस 30,000, वी गेट 50,000। नेक्स्ट फाइंड टोटल एसपी, फर्स्ट एसपी 19,000 एंड सेकेंड एसपी 32,400, वी गेट 5,14,000। हेयर वी गेट 51,400। हेयर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफोर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मीन्स गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। हेयर एसपी 51,400 माइनस 50,000, वी गेट 1,400। द गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी, गेन अपॉन सीपी। हेयर सीपी गिवेन 50,000 इंटू 100 फॉर द साइन ऑफ परसेंटेज, डबल जीरो कैंसिल आउट, हेयर ऑल्सो डबल जीरो कैंसिल आउट, 14 14 कैंसिल आउट, हेयर गेट 14.5%। डिवाइड 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, वी गेट 2.8%। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाइल सेलिंग 36 ऑरेंजेस ए वेंडर सफर्स ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, फाइंड हिज लॉस परसेंट। तो हेयर यू वी लेट एसपी ऑफ 1 ऑरेंज या अनदर वे सीपी ऑफ 1 ऑरेंज। हेयर लेट एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, हेयर वी लेट 1 रुपीज। इन अनदर वे यू ऑल्सो लेट सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, यू लेट एसपी या अदरवाइज सीपी। गिवेन वाई सेलिंग 36 ऑरेंज ए वेंडर सफर्स ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेज, मीन्स लॉस गिवेन हेयर सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेज। हेयर टोटल क्वांटिटी गिवेन 36 ऑरेंजेज, और वी नो दैट लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, मीन्स सीपी ऑफ 36 ऑरेंजेज माइनस एसपी ऑफ 36 ऑरेंजेज। हेयर राइट क्वांटिटी इज ऑलवेज सेम, सीपी ऑफ 36 ऑरेंज, राइट एसपी ऑफ 36 ऑरेंजेज इज इक्वल टू हेयर गिवेन एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेज, एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेज। देयरफॉर सीपी ऑफ 36 ऑरेंजेज
इज इक्वल टू एसपी ऑफ फोर ऑरेंजेस, हेयर माइनस टू गेट हेयर प्लस, तो एसपी ऑफ फोर ऑरेंजेस और प्लस एसपी ऑफ 36 ऑरेंजेस, तो वी गेट एसपी ऑफ 4 प्लस 36 40 ऑरेंजेस। अब वी नो दैट एसपी ऑफ 1 ऑरेंज 1 रुपीज, तो एसपी ऑफ 40 ऑरेंज 40 रुपीज, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज 1 रुपीज, तो एसपी ऑफ 40 ऑरेंज, वी राइट 40। इज इट क्लियर? तो हेयर we find CP of 36 oranges, we find here 40 rupees. Here CP of 36 oranges, we find 40 rupees, all are equivalent. So similarly, we find SP of 36 oranges. So SP of 1 orange, 1 rupees, the SP of 36 orange, 36 rupees, always quantity will be same. Here CP is greater than SP. Here CP is greater than. Therefore CP is greater than SP. The loss is equal to CP minus SP. Here CP 40 minus 36. We get 4. So find the loss percent. The loss percent is equal to loss upon CP into 100, put the sign of percentage. Loss here 4 rupees and CP here, the CP of 36 orange given 40 rupees into 100%. 4 tens are 40, rupees cancel, 00 cancel here, the remaining here 10%. The we get loss percent is equal to 10%. Is it clear? Now later discuss question number 6. In question number 6, by selling 8 dozen pencils, a shopkeeper gains the selling price of 1 dozen pencils. Find his gain percent. Here quantity given in dozen, so let the quantity in dozen. So you may let either CP or SP. So here we let CP. Let CP of 1 dozen pencils is equal to 1 rupees. Is it clear? Given a shopkeeper gains the selling price of 1 dozen pencils, so here gain given selling price of 1 dozen pencils, so we know that gain is equal to SP minus CP. The here total quantity given 8 dozen pencils. The SP of 8 dozen pencils minus CP of 8 dozen pencils is equal to given here SP of 1 dozen pencils. In the place of gain, write here SP of 8 dozen pencil minus CP of 8 dozen pencils. Here is equal to given SP of 1 dozen pencils. Here write SP of 1 dozen pencils. Is it clear? So now here SP of 8 dozen pencil, or here with plus sign SP of 1 dozen pencil, here subtract. The SP of 8 dozen pencil minus SP of 1 dozen pencils. So we get SP of 8 minus 1, 7 dozen pencil is equal to, here minus sign, in another side we write plus sign, SP of
एट डजन पेंसिल्स. इन LHS दिस इज प्लस साइन, RHS वी राइट प्लस साइन. इन LHS माइनस साइन, राइट RHS प्लस साइन. हेयर इन RHS प्लस साइन, द हेयर राइट माइनस साइन. मीन्स SP ऑफ 8 डजन पेंसिल्स माइनस SP ऑफ 1 डजन पेंसिल, 8 माइनस 1 7 डजन पेंसिल्स. हेयर SP ऑफ 7 डजन पेंसिल्स, तो वी लेट CP ऑफ 1 डजन पेंसिल 1 रुपीज, तो CP ऑफ 8 डजन पेंसिल 8 रुपीज. CP ऑफ 1 डजन पेंसिल्स 1 रुपीज, तो CP ऑफ 8 डजन पेंसिल्स 8 रुपीज. तो हेयर SP ऑफ 7 डजन पेंसिल्स वी फाइंड हेयर 8 रुपीज, तो CP ऑफ 7 डजन पेंसिल्स, द सीपी ऑफ 1 डजन पेंसिल्स 1 रुपीज, द सीपी ऑफ 7 डजन पेंसिल्स द 7 रुपीज. देयरफॉर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, द गेन इज इक्वल टू SP minus CP. Here SP 8, CP 7. We get 1 rupees. So find the gain percent. The gain percent is equal to gain upon CP into 100. Put the sign of percentage. Gain is equal to 1 rupees. CP is equal to the CP of 7 dozen pencils 7 rupees, right here 7 into 100%, rupees cancel out, 1 into 100 upon 7%, divide 7 1 ja 7, 7 4 ja 28, 14 whole 2 by 7%. Is it clear? Now let us discuss question number 7. In question number 7, on selling a jug for 144 rupees, a man loses 1 by 7 of his outlay. Outlay means cost price. Outlay means cost price, means CP. If it is sold for 189 rupees, what is the gain percent? The let CP of the jug X rupees. So on selling a jug for 144 rupees, the given here selling price given 144 rupees and also given loss given 1 by 7 of his outlay. 1 by 7 of his outlay. Outlay means cost price. Their cost price X. We know that loss is equal to CP minus SP. Bravo 1 by 7 X. Here CP X. SP 144. Is equal to 1 by 7 X. X minus 1 by 7 X is equal to 144. Take the LCM 7, 7x minus 1x is equal to 144, 7x minus 1x, 6x upon 7 is equal to 144, x is equal to 144 into 7 upon 6, the here 6 2 is 12, 6 4 is 24, 24 into 7, 7 4 is 28, carry 2, 7 2 is 14 plus 2, 16, means 24, 7 is 168. So now, we find cost price, here cost price of jug X, the value of X 168. Here condition given, if it is sold for 189,
अगर 189 रुपए में बेचा जाता, मींस न्यू एसपी, एक कंडीशनल हो गया, सोल्ड हेयर 189, तो हेयर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी मीन्स हेयर गेन, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। हेयर एसपी इज इक्वल टू 189 माइनस 168, वी गेट 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 6 2, 21 रुपीज। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी। हेयर सीपी इज इक्वल टू 168 इंटू 100, अपॉन द साइन ऑफ परसेंटेज, रुपीज रुपीज कैंसिल आउट, 21 एट जा 168, 24 जा 8, 25 फोर जा 100, वी गेट 25 अपॉन 2%, मीन्स 12 होल 1/2%, या इन अनदर वे वी राइट 12.5%। इज इट क्लियर? आई होप यू विल कंप्लीट द एक्सरसाइज 11B विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।